हेलो एवरीबॉडी गुड इवनिंग आई होप वी आर कनेक्टेड एक बार बताना ऑडियो सब क्लियर है इज एवरीथिंग ओके यस वी आर कनेक्टेड चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन uh, तो दिस इज द पार्ट थ्री ऑफ़ टोटल थ्री सेट्स जो क्रैश कोर्स बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हम डिस्कस कर रहे थे पहले कुछ सेशंस जो थे उनमें हमने थर्टिकल जो कंसेप्ट उनको कवर किया और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है जिसमें थ्री सेशंस में हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं लेकिन इतने में ही मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ कहीं ये समझ के चले चलें मैं आपके साथ रहूँगा क्योंकि एग्ज़ाम में अब समय बाकी है और एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक एग्ज़ाम होने से पहले वाली रात तक मैं आपके साथ रहने वाला हूँ चाहे फिर वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो या बेसिक इलेक्ट्रिकल हो क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम इसी तरीके से करते रहेंगे क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट और प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पी वाई क्यूज है उनको पिक करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि दीज आर द स्टैंडर्ड क्वेश्चन जिस एग्जाम में आप एपियर होने वाले हैं उसी के क्वेश्चन तो आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ पर आप लैक कर रहे हैं किन टाइप के क्वेश्चंस को आप नहीं कर पा रहे हैं कहां पर आपकी वीकनेसेस है उनको आपको इंप्रूव करना है लेकिन क्या हो अगर ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हाथ में हो स्क्रीन पर नहीं आपके हाथ में और आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो और प्रैक्टिस करते में जहां आपको प्रॉब्लम आए जहां आपको लगे लाइक like कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो डेटा वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनको याद करना होता है और उस टाइम तो लगा कि हाँ याद हो गया लेकिन पता है कि यार ये तो भूल सकते हैं तो उनको आप मार्क करके रख लें और फिर मार्क करने के बाद जब रिवाइज कर रहे हो तो उन्ही क्वेश्चन को वापस रिवाइज करते टाइम पे वो डेटा है वो तीन चार बार आप उन क्वेश्चन को एग्जाम में जाने से पहले कर चुके हों तो वो याद रहेंगे है ना लाइक अगर हम कल वाला सेशन आपने देखा होगा तो क्रिस्टल पुलिंग को मैंने समझाया तो था लेकिन फिर भी आप भूल गए होंगे अगली बार वो क्वेश्चन आपको आएगा तो कंफ्यूजन सा रहेगा कि क्या होता था क्या है, है ना तो क्रिस्टल पुलिंग मेथड में डोपिंग करते टाइम पे क्रिस्टल पुलिंग मेथड नहीं सॉरी क्रिस्टल पुलिंग जब कर रहे होते थे तो डोपिंग होती थी ये बताया था तो वो एक फैक्चुअल एक डेटा फैक्ट्स वाला क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपके हाथ में आ, अगर हार्ड कॉपी होगी तो आप मार्क कर सकते हैं इन चीज़ों क्योंकि यहाँ यहाँ पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है इसी बात को ध्यान में रखते हुए पिछले जो लेटेस्ट ट्रेंड वाले 2017 से लेके 2024 तक में जो भी प्रीवियस ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्वेश्चन आए हैं सभी शिफ्ट के पूरी ट्वेंटी एट शिफ्ट के ट्वेंटी एट हंड्रेड क्वेश्चन बनते हैं उसका आज लॉन्च इवेंट था सिक्स फोर्टी फाइव पी एम पर आई होप आप लोगों ने देखा होगा तो वो लॉन्च हो चुकी है बुक आप उसको मंगा सकते हैं और बहुत से जो इम्पोर्टेंट जैसा मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी हो जाती है एक स्ट्रेटजी का पार्ट हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है तो ये बहुत जरूरी हो जाता है तो आप ये बुक को यूज ले सकते हैं क्योंकि अभी समय भी है तो यूटिलाइज भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे तो अभी आज क्योंकि लॉन्च भी हुआ है तो काफ़ी लेस प्राइसेज में मिल भी रही है आपको कहीं पर पूरे मार्केट में लेस देन फोर हंड्रेड में ईयर क्वेश्चन की पूरी बुक मिलती भी नहीं है ठीक है वो भी हार्ड कॉपी ई बुक नहीं है भाई हार्ड कॉपी है आपके घर पर आपके हाथ में होगी आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आप मार्क करके रख सकते हैं किस किस क्वेश्चन को वापस से रिवीजन करते टाइम पे ज़्यादा फोकस होकर अगली बार खुद से करना है ठीक है तो ये आपको अभी मिल जाएगी वाई सिक्स फाइव सेवन एस कोड के साथ जो अडा ट्वेंटी फोर सेवन की ऐप पर आप जाकर के देखोगे तो थ्री एट्टी नाइन रुपीज में मिल जाएगी वेबसाइट पर जाके देखोगे इसी कोड के साथ तो थ्री नाइनटी नाइन में मिल जाएगी और बिना कोड के साथ आप देखोगे तो फोर एट्टी फोर एट्टी समथिंग में फोर एट्टी वन समथिंग में आपको ये मिल रहेगी है ना तो ये परचेज कर सकते हो आप चलो बाकी आज बढ़ते हैं हम आगे के सेशन में सो दिस इज द क्वेश्चन The value of voltage across the diode in figure given below is. चलो कर पा रहे हैं क्वेश्चन चलो पाल का आंसर आ गया है संदीप का आंसर आया हरप्रीत का आंसर आया है चलो देखते हैं वैल्यू ऑफ वोल्टेज एक्रोस इस, इस डायोड के एक्रोस वोल्टेज हमसे पूछा है तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि डायोड फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में है? अगर डायोड फॉरवर्ड बायस्ड में होता है तो उस केस में वो एक वेरी स्मॉल रजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है और अगर हमें बोला नहीं जाए कि भाई वो सिलीकन है या जर्मेनियम है तो हम एक आइडल डायोड मान के चलते हैं और आइडल डायोड में शॉर्ट सर्किट अगर फॉरवर्ड बायस में तो भाई फिर इसके साथ जो कुछ भी लगाओ फॉरवर्ड बायस तो उसी से हुआ है बट शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज क्या बोलेंगे फिर आप कोई पूछे इसके अक्रॉस वोल्टेज बताओ डायोड के अक्रॉस तो जीरो वोल्ट बोलेंगे लेकिन अगर डायोड रिवर्स बायस में तो वो रिवर्स बायस में करंट फ्लो ही नहीं होने देता है अगर फ्लो होता भी है करंट तो वो रिवर्स वाला करंट बहुत कम होता है माइनॉरिटी कैरियर करंट जिसको लीकेज करंट भी बोलते हैं ना तो बहुत ही कम होता है तो हम कह सकते हैं इतना कम होता है कि ये एक तरह से हम ये मान के चल रहे हैं कि इन्फाइनेट रजिस्टेंस प्रोवाइड करवा रहा है तो रिवर्स में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है और ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो भाई क्या लगा हुआ है बाकी उसके हिसाब से हमें वोल्टेज बताना पड़ेगा अभी नहीं कह सकते क्या होगा बताना पड़ेगा तो पहले हमें चेक करना होगा कि डायोड फॉरवर्ड बायस है अगर तो जीरो वोल्ट रिवर्स बायस है तो कैलकुलेशन करेंगे आप तो भाई डायोड का ये रहा कैथोड मतलब एन साइड ये रहा एनोड मीन पी साइड पी साइड पे नेगेटिव है एन साइड पे पॉजिटिव है डायोड है रिवर्स बायस्ड और अगर डायोड रिवर्स बायस्ड है तो ओपन सर्किट है शॉर्ट सर्किट नहीं है शॉर्ट सर्किट होता तो हम जीरो वोल्ट बोल देते लेकिन अभी ये हो जाएगा गलत अब कैलकुलेट करना पड़ेगा तो क्या आएगा चार वोल्ट आठ वोल्ट या फिर ये तो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा तो अब इतना तो समझ में आ गया रिवर्स बायस है ओपन सर्किट ओपन सर्किट है अब आर दिया नहीं है छुपा लिया हमसे वैल्यू क्या यार इसकी मत देख, क्या फर्क पड़ता है जब इस ये ओपन सर्किट है है कोई करंट ही नहीं फ्लोने वाला है, तो इस रजिस्टर में भी कोई करंट नहीं फ्लो होगा रजिस्टेंस चाहे वन ओम का होता है या पचास ओम का होता है या ना भी होता यहां कोई करंट ही नहीं फ्लो होने वाला जब इसमें कोई करंट ही नहीं फ्लो होगा चाहे इसकी वैल्यू कुछ भी हो लेकिन इसमें करंट अगर जीरो फ्लो रहा है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जीरो वोल्ट होगा अक्रॉस भी ऐसे कोई वोल्टेज डॉप नहीं होगा जीरो वोल्ट होगा तो हम ये कह सकते हैं क्या ये वोल्टेज अगर हमने पूछा है यही यही तो वोल्टेज पूछा है डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ये वोल्टेज हमसे पूछा है तो इसका एलिमेंट का वोल्टेज प्लस इसका एलिमेंट का वोल्टेज प्लस इसका एलिमेंट का वोल्टेज जिनमें से इन दोनों के अक्रॉस तो वोल्टेज जीरो है ये वाला वोल्टेज आ जाएगा मीन्स एट वोल्ट सो सी आंसर हो जाएगा सो सी करेक्ट है समझ में आता है क्या ए इनकरेक्ट है ए से मिलेंगे नेगेटिव मार्क्स सी से मिलेंगे पॉजिटिव मार्क्स नेगेटिव मार्क्स से बचने का पूरा ट्राई करना है चलो क्लियर है आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करें नेक्स्ट प्रॉब्लम पीक वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर हमें दे रखा है अंडरवर्ल्ड आर एम एस वैल्यू ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट वोल्टेज पूछा है हमसे चलो यहां पर आंसर आना स्टार्ट हो गया है तो मेजोरिटी में आंसर जो आ रहे हैं वो ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं कुछ बी भी, भी नजर आया था गया सी है चलो देख लेते हैं आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए वेव रेक्टिफायर दे रखा है कब पीक वैल्यू मतलब 100 वोल्ट तो आरएमएस वैल्यू तो पीक वैल्यू का बाई रूट टू होती है और अच्छे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के स्टूडेंट को यह पता होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को कि वन अपॉन रूट टू की वैल्यू पॉइंट सेवन जीरो रूट टू पता है, होता है हमें कि ये तो 1 होती है। ऐसे वन अपॉन रूट टू जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन होनी चाहिए तो वीएम पीक वैल्यू का पॉइंट सेवन जीरो सेवन करके सेवनटीन पॉइंट सेवन बोल्ट बोल्ट के हम ले लेंगे नेगेटिव मार्क्स ये क्या हो गया सर नेगेटिव मार्क्स नेगेटिव मार्क्स इसलिए कि ये फॉर्मूला आर का है लेकिन कब जब हमारा साइनोसोइडल सिग्नल हो और साइनोसोइडल सिग्नल उसको बोलते हैं जो प्योर साइनोसोइड का मतलब जिसमें पॉजिटिव साइकिल भी आए नेगेटिव साइकिल भी आए पॉजिटिव भी आए नेगेटिव भी आए ऐसा लेकिन हमारे पास अभी क्या दिया हुआ है हाफ वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब यह है ऐसा ये नहीं है भाई ऐसा ये नहीं है भाई ऐसा ये इसकी आर वैल्यू वी एम बाई रू टू नहीं होती है इसकी आरएमएस वैल्यू होती है वी एम बाई टू हाफ वेव रेक्टिफाइड जो होता है वेव उसकी आरएमएस वैल्यू होती है वीएम बाई टू तो ये भी ध्यान आ गया सब लोग को ये वाला कब लेना है जब हमें जब इस तरह से फुल वेव हो और जब हाफ वेव हो तो वी एम बाई टू तो यहां पर Vm बाई टू के हिसाब से आंसर करेक्ट कौन सा होगा बी मेरे मेरी बातें गलत करने से बचना है लेकिन कोई बात नहीं समय है अपने पास हम प्रैक्टिस इसलिए तो कर रहे हैं ये गलतियां ही तो फिल्टर करनी है हमें ये गलतियां तो फिल्टर आउट करनी है सुरेंद्र अगर अभी तक पढ़ नहीं रहे थे अगर अभी तक नहीं पढ़ रहे थे तो फिर तो अब तो जितना पढ़ सकते हो ठीक है पढ़ लो उतना लेकिन अभी तक पढ़ रहे थे लेकिन अब एट द एंड प्रेशर में आकर के टेंशन में आकर के मन नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा तो सोचो यार इतने महीनों से मेहनत कर रहे थे तुम इतने मह, महीनों से एक एम को लेकर के मेहनत कर रहे थे ना अब इस मन को क्यों खराब करना किस लिए खराब करना है गलत हो जाते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगते हो तो तो हम है ना यहां पे साथ में खड़े हैं ना तुम्हारे साथ मैं वापस इससे इससे इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं देखो केसेस सारे आरएमएस के मैं सारे बता देता हूं पहला केस फर्स्ट केस जब हमारे पास वेवफॉर्म फॉर्म इस तरह की हो जिसको हम साइनोसोइडल बोलते हैं इसको या तो ये साइन करके आया कॉस करके आया कॉस में फर्क होगा बस यहां से स्टार्ट हो जाएगी इसकी पीक वैल्यू अगर वी है तो इसकी आरएमएस वैल्यू जो होती है वो होती है वीएम बाई रूट टू तो कोई भी साइनोसोडल सिग्नल देगा तो उसकी आर एम एस वैल्यू वी एम बाई रूट टू जाती है दूसरा अगर इसी के पॉजिटिव वाली वेव पार्ट जो है वो रह जाए नेगेटिव फिल्टर हो जाए पॉजिटिव वाला रह जाए नेगेटिव खत्म पॉजिटिव वाला रह जाए नेगेटिव खत्म ऐसा तो इसको बोलते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफाई हो गई है रेक्टिफाई का मतलब हम बोलते हैं ना यार इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करके जल्दी से करो यार नहीं तो मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो रही है रेक्टिफाई करो इसको मतलब हटाओ रिमूव करो तो यहां पर आधा पार्ट रेक्टिफाई हो गया है तो हम बोलेंगे हाफ पार्ट तो रेक्टिफाई हो गया हाफ वेव रेक्टिफाइड तो जब भी हाफ वेव रेक्टिफाइड बोलते हैं मतलब ये है अब इसकी आर एम एस वैल्यू उतनी नहीं रहेगी जितनी उसकी थी क्योंकि उस केस में ये सिग्नल भी तो आ रहा था ना और आर एम एस फाइंड करते टाइम पे हम सिग्नल की स्क्वायर वैल्यू का मीन का रूट करते हैं उल्टा होता है यहां पे आर एम एस का मतलब स्क्वायर वैल्यू के एवरेज का रूट जिस भी सिग्नल की बात कर रहे हैं उसके स्क्वायर का एवरेज का रूट तो स्क्वायर होने से क्या है नेगेटिव का भी स्क्वायर स्क्वायर एज ए पॉजिटिव बिहेव करेगा होने पे तो पॉजिटिव हो गया ना तो ज्यादा बड़ी बड़ी वैल्यू मतलब ये रही और फिर ये वाली भी वैल्यू है तो ज्यादा आएगा इसमें यहां पर इस वाले पार्ट में कुछ है ही नहीं तो मीन एवरेज कैलकुलेट करते टाइम पे यहां पर जीरो वैल्यू जैड हो रही होंगी यहां पर तो कम आएगा तो यहां जो आरएमएस वैल्यू होती है वो वी एम बाई रूट टू नहीं बल्कि वी एम बाई टू होती है और कुछ और है जो ध्यान रखने आपको एक अगर फुल वेव रेक्टिफाई हो जाए तो इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर इसमें क्या हुआ है पॉजिटिव साइकिल भी रहेगी और नेगेटिव भी पॉजिटिव होकर आ गई है इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट फुल वेव रेक्टिफायर होता है जो कि ऐसा आउटपुट देता है हमें इस फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट के केस में आरएमएस क्या होती है ये बताना इसके आरएमएस वाले बताना बताओ इसके पता है आरएमएस नहीं पता इसका कोई आंसर नहीं करता क्या हुआ इसका आरएमएस और उसका आरएमएस सेम आएगा उसमें भाई इसका स्क्वायर कर रहे थे इसका स्क्वायर कर रहे थे एक पीरियड के लिए मीन फाइंड करते टाइम पे स्क्वायर वैल्यू का मीन करना है ना इसमें इसका स्क्वायर कर भाई इसका स्क्वायर तो यही सेम है नेगेटिव वैल्यू वैल्यू ही तो सेम पॉजिटिव क्या रहे हैं है। हाँ तो तो टू का स्क्वायर थ्री तो का को फर्क पड़ेगा क्या सेम ही आएगा ना तो इसकी बिल्कुल उसकी जैसी ही आती है साधारण साइनोसोडल का हाफ वेव रेक्टिफायर का और ये हमारी फुल वेव रेक्टिफायर का ये तीनों आरएमएस साइनोसोडल से रिलेटेड हाँ थोड़ा सा लेट पहुंच पाता है आंसर अच्छा नेक्स्ट एक और है जो याद रखना है हमें ट्रायंगुलर हो इस तरह से तो इसका आर एम एस इसका आर एम एस क्या होता है इसका आर एमएस वैल्यू क्या होता है इसका आरएमएस वैल्यू होता है वी एम बाय रूट थ्री वी एम बाय रूट थ्री ठीक है तो ये ध्यान रखना है अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करें तो अभी इस वाले क्वेश्चन के लिए क्लियर हो जाता है सब लोग को बी आंसर क्यों किया है सी नहीं करना है नेगेटिव मिल जाएगा अपन को मार्क्स ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं पीएन जंक्शन क्या होता है भाई पीएन जंक्शन पीएन जंक्शन का मतलब ये पीएन जंक्शन डायोड की ही बात कर रहा होगा है ना और क्या लगता है तो अभी हम बार बार जो पिछली स्लाइड में बात कर रहे थे ना हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर तो वो पीएन जंक्शन डायोड से ही बनते हैं डायोड से ही बनते हैं एम्पलीफायर नहीं बनता डायोड से एम्पलीफायर नहीं बनता डायोड से पीएन जंक्शन इंसुलेटर नहीं है कोई भाई ये तो फॉरवर्ड बायस में तो धड़ाधड़ करंट फ्लो करता है कहां का इंसुलेटर इंसुलेटर नहीं है हाँ ये डिपेंड करता है कि कैसे बायस में उसके हिसाब से ये एज

जब बीजेटी साथ में होती है और बिना बीजेटी के वाले भी ऑस्कुलेटर्स पढ़े होंगे आपने एलसी ट्यून्ड सर्किट सबसे पहले बचपन वाला जो ट्वेल्थ क्लास में पढ़ते थे एलसी ट्यून सर्किट एज ऑस्किलेटर काम करता है याद आ रहा है और उसी में फिर इंडक्टर और एल मतलब इंडक्टर और सी मतलब कैपेसिटर के अदर कॉम्बिनेशन भी होते हैं और ऑस्किलेटर ध्यान आ रहा है नाम बताना कमेंट करना याद आ रहा है एक हार्टले ऑस्किलेटर कॉलपिट्स ऑस्किलेटर ये थोड़ा पढ़े होंगे आपने है ना वैसे अभी अपने काम के नहीं है भी नहीं है तो कोई बात नहीं हाँ YouTube पे कमेंट थोड़ा सा लेट आता है करीब 20 से 25 सेकंड का डिले रहता है हार्ट ले कॉल पेट बिल्कुल सही याद आ रहा है आपको तो पाल बहुत बढ़िया चलो तो यहां पर जो रेक्टिफायर की बात करें वो हमारे डायोड से बनते हैं तो पीएन जंक्शन मतलब वो डायोड की ही बात कर रहा है सीधी सी बात तो ये रेक्टिफायर हो गया एक रेक्टिफायर है नहीं वैसे तो क्वेश्चन वैसे तो गलत टाइप का ही बोल सकते हो आप इसको ये पूछना चाह रहे पीएन जंक्शन से क्या बन सकता है एज ए रेक्टिफायर हम डायोड को बना डायोड को एज रेक्टिफायर रेक्टिफायर बनाने के लिए हम यूज में ले सकते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर एक होता है वेव रेक्टिफायर और उस फुल रेक्टिफायर में दो होते हैं दो टाइप से बनते हैं वो डायोड की हेल्प से बनते हैं वेव रेक्टिफायर दो पहला होता है एक आ, ब्रिज रेक्टिफायर और एक होता है सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर एक तो ब्रिज होता है और एक सेंटर टेप्ड होता है है ना तो ये अलग अलग हैं ये दोनों ही मतलब फुल फुलवे रेक्टिफायर है कभी इनके नाम लेके बोले तो इसका मतलब मन में समझ लेना फुल फुलवेर रेक्टिफायर है तो अब एक टाइप का क्वेश्चन और कि भाई डायोड से बनता है तो कितने डायोड लगाता कितने डायोड की जरूरत पड़ेगी एक हाफ रेक्टिफायर बनाने के लिए नंबर नंबर ऑफ ऑफ डायोड्स डायोड्स की बात करते हैं नंबर तो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने में कितने डायोड चाहिए होते हैं जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा वो आंसर कर पाएंगे जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा होगा वो पढ़ के वापस से इन सेशन को एक बार और देखना जो जो पढ़ लिया है उससे रिलेटेड तो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर ही पा रहे हो लेकिन जो नहीं पढ़ा है उसको पढ़ने के बाद फिर वापस से सेशन को जरूर आकर के देखना फायदा मिलेगा नंबर ऑफ डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर में अकेले एक डायोड से ही काम हो जाता है एक अकेला डायोड एक ही चाहिए होता है अगर हम ब्रिज रेक्टिफायर की बात करें तो उसमें चार डायोड चाहिए होते हैं। और सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर की बात करें तो उसमें दो डायोड चाहिए होते हैं बिल्कुल सही बोल पास ठीक है, है तो ये नंबर ऑफ डायोड्स पढ़ा हुआ है तो ठीक है नहीं पढ़ा हुआ है तो रटने की मत सोचना रटी हुई चीज़ें कन्फ्यूजन में रहते हैं और ज़्यादातर टाइम कभी कभी नेगेटिव मार्क्स दे जाती हैं गलत याद आ जाता है तो, तो अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना और पढ़ने का मौका ये है आप खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं आप करते आ रहे थे अपने आप को जानते होंगे तो कर लो जल्दी से ये सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए एज वेल अगर आपको एग्ज़ाम में कट ऑफ क्लियर करना है तो हाँ ऐसे एग्ज़ाम दे के आना है बस तो अलग बात है तो पढ़ने का मौका जो है अभी बैच स्टार्ट हुआ था कुछ ही दिन पहले उसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी चल रहा है नेटवर्क थ्योरी भी चल रहा है बेसिक इलेक्ट्रिकल और उसके अलावा अदर सब्जेक्ट्स भी चल रहे हैं तो आप अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के पेड जो बैचेज हैं जो उनको ज्वाइन कर सकते हो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे और अभी नवरात्रों के मौके पर स्टार्टिंग नवरात्र स्टार्ट हुए थे और ईद के मौके पर उसमें महापैक में लेस प्राइसेज में डबल वैलिडिटी के साथ ये बैच और इससे पुराने बैच सारे और आगे आने वाले बैचेज को आप एक्सेस कर सकते हो नॉन टेक के लिए बुक नॉन टेक के लिए एक बुक अभी मुझे दिख रही थी प्ले स्टोर पर मैं दिखा देता हूं <coughs> देखो बुक के लिए आप ऐप में जाके देख सकते हो मेरे पास तो अभी यहां पर वेबसाइट है तो मैं वेबसाइट ओपन करके दिखा दे रहा हूं ऑल कोर्सेज में जाएंगे आप इसके बाद ए ई जे एग्जाम्स क्लिक करेंगे अपनी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज करेंगे उसके बाद एस एस जेई क्लिक करेंगे ये एक तो महापैक डबल वैलिडिटी के साथ चल रहा है भाई अभी है ना और लेस प्राइस प्राइसम भाई बाकियों बैचों से तो कम प्राइस प्राइसम महापैक मिल रहा है तो इसको इस मौका मत छोड़ देना कोई भी नहीं तो फिर बाद में अलग अलग बैच खरीदते रहोगे तो डबल वैलिडिटी मतलब चौबीस महीने के लिए मिल रहा है जो नौ महीने के लिए बैच मिलते हैं जनरली बारह महीने के मिलते हैं चौबीस महीने के मिल रहा है और उन्नीस बिना कूपन के साथ ओपन कोड अप्लाई करोगे तो ये और कम रेट में हो जाएगा नीचे आप जाओगे टेस्ट सीरीज उसके बाद वीडियो कोर्सेज उसके बाद ई बुक्स और फिर उसके बाद बुक्स वाले सेक्शन में यहाँ जनरल साइंस की आपको बुक नजर आएगी तो ये तो टेक्निकल वाले पार्ट की बुक हो गई ये नॉन टेक्निकल में जनरल साइंस वाली जो बुक है ये आपको नजर आ जाएगी तो जनरल साइंस हर एग्जाम में सेम ही रहने वाली होती है एर जेई हो एस एस जेई हो साइंस तो साइंस रहेगी तो ये बुक आप देख सकते हैं बाकी नॉन टेक्निकल के लिए होपफुली जल्दी ही टीम और जो पार्ट है उनसे रिलेटेड बुक भी जो है प्रोवाइड करने का जल्दी से जल्दी ट्राई करेगी ठीक है मैं एक बार ये बुक के लिए बताता हूं आज ही लॉन्च हुआ है ये बुक है ना और 481 इसका प्राइस दिख रहा है जिसमें पूरे 28 शिफ्ट्स शिफ्ट के 2800 क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहे हैं ठीक है बट इससे कम प्राइस में 481 नहीं इससे कम प्राइस में अगर आप कोड अप्लाई करेंगे चलो इसमें अभी हो नहीं पा रहा है मैं कोड बता वाई सिक्स फाइव सेवन एस वाई सिक्स फाइव सेवन एस ये कोड आप अप्लाई करेंगे तो ये थ्री एट्टी नाइन रुपीज में आपको एप पर मिल जाएगा वेबसाइट पर थ्री नाइनटी नाइन में नहीं ई बुक ईबुक ई बुक का मतलब होता ई बुक वो फिजिकल में नहीं मिल सकती है जो भी ई बुक्स हैं वो ई बुक्स का मतलब ही होता है जो आ, इन मतलब हार्ड कॉपी नहीं हो ये हार्ड कॉपी है आपके घर पर डिस्पैच होगी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हार्ड कॉपी है थ्री एट्टी नाइन रुपीज का इसका प्राइस जो है आपके घर पे डिस्पैच होगी द करंट इन रिवर्स पी एन में भी। चलो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दिखने लग गया है मेरे को डी ऑप्शन नजर आ रहा है फ्यू मिली एम्पियर बिटवीन जीरो पॉइंट टू से टू एम्पियर एम्पियस में तो होता ही नहीं है ये रिवर्स में तो बहुत कम करंट फ्लो होता है है ना माइक्रो एंड मिली एम्पियर में नहीं जाता माइक्रो एंड नैनो में रहता है ये आज ही मैं बैच में डिस्कस भी कर रहा था पूरे रीजन के साथ कि ऐसा क्यों होता है रिवर्स बाइस में हम कैरेक्टरिस्टिक में इसको क्यों बनाते हैं फॉरवर्ड बाइस में भी होता है ये खैर वो तो डीप वाली बात होगी आगे की रिवर्स बायस में ये वाला करंट होता है इसके बारे में हमने बात की है तो एक बार मुझे बताया ना ये वाला जो रिवर्स बायस में करंट होता है जो मिल माइक्रो या नैनो एम्पियर्स में होता है ये करंट होता क्या है इसका नाम क्या होता है रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होता है इसका नाम भी तो होता है ना कुछ ज्यादा होगा कुछ कुछ नाम भी होता है क्या जैसे कुछ होता हो कि भाई रिवर्स सेचुरेशन करंट या कुछ ऐसा कुछ नाम होता है क्या इसका लीकेज करंट होता है क्या नाम होता है इसका लीकेज करंट है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन माइनॉरिटी का ये वाला करंट जो होता है माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से फ्लो होता है रिवर्स में जो करंट फ्लो होता है वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से फ्लो होता है तो माइनॉरिटी कैरियर करंट भी बोल देते हैं इसको कभी कभी लीकेज करंट या माइनॉरिटी कैरियर करंट माइक्रो एम्पियर्स नैनो एम्पियर्स में होता है ए डिवाइस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी क्लोज टू दैट ऑफ एन आइडल वोल्टेज सोर्सेज वोल्टेज सोर्स आइडल वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या होता है ऐसा वोल्टेज सोर्स जो फिक्स वैल्यू ऑफ वोल्टेज दे ऑफ कि उसके साथ क्या कनेक्ट कर दिया वोल्टेज सोर्स की बेसिक डेफिनेशन ये तो होती है ना ऐसा सोर्स जिसके दोनों टर्मिनल्स जो हैं उनके एक्रोस वोल्टेज जो है वो फिक्स रहे इसके रस, कि हमने उसके साथ क्या क्या, क्या कैसे कैसे कितनी कितनी वैल्यू के एलिमेंट्स मतलब सर्किट क्या कनेक्ट कर दिया उस पर इंडिपेंडेंटली वही होता है वोल्टेज तो मतलब फिक्स वोल्टेज दे तो हमारा जीनर डायोड ही होता है जो वोल्टेज के अप डाउन अगर आ रहे होते हैं तो उनको कॉन्स्टेंट करने के लिए हम सर्किट बनाते हैं तो इसको हम वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट बोलते हैं जीनर डायोड से बनता है वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट वोल्टेज रेगुलेट हो जाता है तो वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट जीनर डायोड से बनता है इसलिए हम कह सकते हैं ये एक आइडल वोल्टेज सोर्स की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा होता है तो इसका आंसर होगा जीनर डायोड ए नहीं बी होगा इसका आंसर ठीक है याद आ रहा है वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट चलो तो बताने के बाद ये वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट जो होता है जिसमें जीना डायोड यूज में लेते हैं उसमें ये जीना डायोड जो होता है जब जिस टाइम पे वोल्टेज रेगुलेशन आ, कर रहा होता है जिस आ, इंस्टेंट पर उस इंस्टेंट पर ये फॉरवर्ड बायस्ड होता है या रिवर्स बायस्ड होता है जीना डायोड भी एक तरह का डायोड ही है एक तरह का पीएन जंक्शन डायोड ही है कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसमें याद आ रहा हो तो डोपिंग से रिलेटेड चलो वो तो अलग बात है अभी हाल फिलहाल मुझे बताना ये जो जीना डायोड होता है वोल्टेज रेगुलेशन में जब काम में आ रहा होता है वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट के अंदर तो रिवर्स बायस्ड होता है या फॉरवर्ड बायस्ड होता है रिवर्स बायस्ड होता है या फॉरवर्ड बायस्ड होता है आंसर करना और साथ में फिर इस क्वेश्चन का आंसर भी करना रिवर्स hmm, बायस होता है है एक तरह का पीएन जंक्शन ही है और रिवर्स होता है। पीएन जंक्शन डायोड तो रिवर्स बायस में रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन नहीं हो जाता उसका जब बहुत ज्यादा वोल्टेज हो जाता है तो हो जाता है ना एवलांचे ब्रेकडाउन लेकिन एवलांचे ब्रेकडाउन से पहले ही एक और ब्रेकडाउन हो जाता है जीनर ब्रेकडाउन अगर हम डायोड को नॉर्मल डायोड जो होते हैं सिंपल पी जंक्शन डायोड उसके बजाय डोपिंग कंसंट्रेशन को थोड़ा बढ़ा देते हैं तो फिर वो ये कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करने लगता है कि जिस वोल्टेज पे जाके एवलांच ब्रेकडाउन होने वाला होता है उससे पहले ही ब्रेकडाउन हो जाता है और ऐसा ब्रेकडाउन होता है कि उससे बर्न आउट नहीं होता है वही है जीना ब्रेकडाउन तो ये तो चीज़ें मैं खैर याद दिला रहा था बाकी चलो इस क्वेश्चन का आंसर करना और ये चीजें मैं इसलिए याद दिला रहा था क्योंकि हमने क्रैश कोर्स में पहले थेटिकल चीजों को कंसेप्ट को डिस्कस किया था तो क्योंकि समय की कमी थी तो उस टाइम पर ये मैं डिस्कस नहीं कर पाया था कि एक ही सेशन में एक एक, एक चीज को कवर करना था तो एज कंपेयर टू फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग टू डायोड्स द फोर डायोड्स बेज रेक्टिफायर हैज द डोमिनेंट एडवांटेज ऑफ तो अभी अभी थोड़ी देर पहले हम बात करके आए थे कि फुल वेव रेक्टिफायर दो तरीके से बन सकता है एक तो जिसमें चार डायोड यूज में आते हैं कौन सा ब्रिज और एक जिसमें दो डायोड यूज में आते हैं कौन सा सेंटर टेप तो यहां पे फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग टू डायोड का मतलब वो सेंटर टेप वाले की बात कर रहा है एंड फोर डायोड वाले वो तो नाम लिखी दिया उसने फोर डायोड वाला ब्रिज तो ब्रिज द फोर ब्रिज रेक्टिफायर हैज द तो इसमें क्या एडवांटेज होता है ब्रिज वाले के अंदर तो ब्रिज वाले के अंदर क्या एडवांटेज होता है यहाँ पे दो की जगह चार डायोड होते हैं ये एडवांटेज थोड़ी है तो लॉस हो गया यार ज्यादा खर्चा हो जाएगा सर्किट को बनाने में दो की जगह चार डायोड लग रहे होंगे लेकिन जब भी कोई पर्टिकुलर साइकिल होगी तो दो डायोड्स एक साथ रिवर्स बायस में आ रहे होंगे उसमें तो दो ही डायोड है एक डायोड एक टाइम पे रिवर्स बायस एक टाइम पे फॉरवर्ड बायस इसमें जब रिवर्स बायसिंग जिस भी ब्रांच में हो रही होगी तो दो डायोड आ रहे होंगे तो जो रिवर्स वोल्टेज होगा वो दोनों पर डिवाइड हो रहा होगा तो अगर मैंने डायोड यूज में लिया जिनका पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग याद आ रहा है पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग का मतलब क्या होता है

ज कंपेयर टू फुलर फोड दिन हायर करंट कैपिटी लो पीक अच्छा अब हम हाँ ये कह सकते हैं, Same applied voltage जो हम कर रहे हैं वो दस वोल्ट का अप्लाइड है तो हम डायउ पांच वोल्ट के पी आई वी रेटिंग वाले से भी काम चला सकते हैं लेकिन अगर हम सेंटर uh, में ले रहे थे तो अगर uh, जो हमारी पीक वैल्यूज है इनपुट की वो दस वोल्ट तक जा रही है अगर दस वोल्ट तक जा रही है तो हमें 10 वोल्ट की पी रेटिंग वाले डायोड यूज में लेने पड़ते हैं अब अगर हम ब्रिज रेक्टिफायर में लेंगे तो 5 वोल्ट वाले से भी काम हो जाएगा लो पीआईवी रेटिंग वाले डायोड से काम चल जाएगा लो पी के इनवर्स वोल्टेज रिक्वायर्ड तो इसका बी आंसर हो जाएगा समझ में आ जाता है क्या सब लोग को बताना है नहीं सेंटर टेप में टू बी एम नहीं ओवरऑल बात यह कि ये है वो बी एम बी एम तो ये है हम सेंटर टेप में जो डायोड यूज में ले रहे होंगे उनकी पी वी रेटिंग वीएम होनी चाहिए या उससे ज्यादा हो लेकिन अगर हम ब्रिज रेक्टिफायर में यूज में ले रहे होंगे तो पी रेटिंग इस जो डायोड हम यूज में ले रहे होंगे उनकी आधे से भी हो जाएगी मतलब हम ये कह सकते हैं ओवरऑल डायोड पर बात करते हैं डायोड जितना हो रहा होगा उसकी डबल वैल्यू तक का हम ये अप्लाई कर सकते हैं ब्रिज रेक्टिफायर में उसके लिए भी बर्न आउट नहीं होगा क्लियर हो जाता है सब लोग को चलो नेक्स्ट क्वेश्चन द सेमी कंडक्टर डायोड कैन बी यूज फो ये तो अभी थोड़ी देर पहले बात कर ही ली थी हमने तो इसका आंसर तो जल्दी से झटके के साथ बोल दो सेमी कंडक्टर डायोड कैन बी यूज फो तो सेमी कंडक्टर डायोर्ड से ही फुल वेव रेक्टिफायर बनता है और उसी से ही हाफ वेव रेक्टिफायर बनता है इट कैन बी used फॉर बोथ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर चलो नेक्स्ट करना फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लीकेशन बाय ए रजिस्टर कैन बी achieved इफ ये अच्छा क्वेश्चन है आ, कुछ लोगों को ये फैक्चुअल क्वेश्चन लग सकता है कि भाई ये तो फैक्ट है याद करना है बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं अब वैसे तो ये चैप्टर मतलब हम जब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है कि डायविड होगा सर आंसर तो ऐसा लग रहा है कि आंसर ऐसा लग रहा है लेकिन लगने वाली चीज़ है ना कभी कभी नेगेटिव मार्क्स दी जाती है ठोकर खा के सीखो उससे बढ़िया है कि मेरी बात को समझ लेना कि एग्जाम में लग रहा था इसलिए टिक कराया वो काम मत करना या फिर याद रह गया था ऐसा कुछ पता नहीं है कुछ कि भाई कहाँ कब क्या क्यों तो वो भी नेगेटिव मार्क्स दिया जाता है ज्यादातर गलत हो जाता है जब तक श्योर नहीं हो कि हाँ यही होता था तब तक नहीं करना है तो पहले कुछ लोग का आंसर आया सी फिर मेरे वक्तव्य को के चेंज हो गया बी क्यों किसलिए चलो बात कर लेते हैं कार्बन तो कार्बन डायोड तो वही वाले होते हैं जिनकी वो होती है ना वो छोटे छोटे से होते हैं आते हैं इस तरह से जनरली वाइट क्रीम कलर के टाइप के होते हैं उनके ऊपर छल्ले बने होते हैं और वो छल्ले हमारे कलर कोडिंग होती हैं वो कार्बन डायोड है वो तो है कार्बन डायोड उनसे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लीकेशन होता है कि नहीं होता पता ही नहीं है सर क्या बोले वायर वाउंड वाले कौन से होते हैं वायर वाउंड वाले होते हैं बचपन में फिजिक्स की लेबोरेटरी में या फिर इलेक्ट्रिकल जो आपकी वर्कशॉप होगी उसमें आपने देखे होंगे ऐसे वायर लपेटा होता है और वायर का मतलब कंडक्टर और कंडक्टर का मतलब कंडक्टर की लेंथ कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर के मेटेरियल के अकॉर्डिंग उसका रजिस्टेंस लेकिन ये लेंथ कितनी है इतनी है भाई इसी के ऊपर लगा होता था एक वो चलता था ऐसे ऐसे डंडी लगी होती थी उसके ऊपर ऐसे लगा होता था ये कनेक्शन यहाँ की बजाय कहाँ तक कितनी लेंथ इफेक्टिवली काम में आ रही है वो लेंथ चेंज होकर रजिस्टेंस चेंज होता था ये वेरिएबल रजिस्टेंस की तरह काम में लेते थे वायर बाउंड रजिस्टर इसको हम बोलते हैं डायोड के बारे में तो परिचित हो ही चुके हैं सब लोग कि डायोड भी एक रजिस्टेंस प्रोवाइड करता है जो कि जो कि फिक्स नहीं होता लेकिन जो कि अप्लाइड वोल्टेज के अकॉर्डिंगली होता है ऐसा शुरुआत में तो बहुत ज्यादा है फिर धीरे धीरे कम होके फिर तो वोल्टेज कम बढ़ा रहे करंट ज्यादा बढ़ रही है मतलब बहुत कम हो जा रहा है ऐसा कुछ है मतलब मतलब एक ऐसा रजिस्टेंसिस्ट इसीलिए वेरी कर रहा है मतलब नॉन लीनियरिटी भी फॉलो कर रहा है इस इस हम ये भी बोल सकते हैं डायोड को एक डायोड तो भाई नॉन लीनियर एलिमेंट होता है नॉन लिनियर लीनियर नॉन लीनियर एक्टिव एलिमेंट पढ़ते हैं ना हम बेसिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स में तो नॉन लीनियर एलिमेंट है सर ये तो इंडक्टर कैपेसिटर लीनियर होते हैं नाइक्रोम नाइक्रोम तो वही होता है नाइक्रोम का तार मुझे जो जो याद आ रहा है वो ऐसा याद आ रहा है नाइक्रोम वही होता है ना जिसमें जब करंट फ्लो होता है तो हाई रजिस्टिव एलिमेंट होता है ये तो ये उस रजिस्टेंस की वजह से इसमें पावर ड्रॉप होता है और वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होता है हीटर में उन सब में यूज में आता है उन सब में यूज में आता है चलो अब यहां पर आंसर क्या होगा सर लेकिन आंसर वही होगा जो पहले कर रहे थे कि सर डायोड वाला चैप्टर पढ़ रहे तो डायोड का ही तो क्वेश्चन होगा आंसर वही है अब बोल, मतलब सर फैक्चुअल याद कर ले नहीं अब बताता हूं मैं ऐसा क्यों तो एक मैंने लाल कलर में यहां पर एक लिखा है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था इससे रिलेटेड यही था बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड तो अब हम समझते हैं फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है तो मैं यहां पर एक एलिमेंट बोल रहा हूं जो कि नॉन लीनियर है नॉन लीनियर एलिमेंट की ये प्रॉपर्टी होती है कि इनपुट जो अप्लाई करेंगे उसका आउटपुट uh, जो होगा वो किस तरह से रिलेटेड होगा इनपुट अगर मैं मान के चल चला वी आई है आउटपुट वी नॉट है तो आउटपुट वी नॉट वी आई से ऐसे रिलेटेड होता है कुछ ए नॉट प्लस ए वन वी आई प्लस ए टू वी आई स्क्वायर प्लस वी आई क्यूब एंड सो ऑन लीनियर उसको बोलते हैं ना लीनियर उसको बोलते हैं ना जिसमें पावर वन आती है लेकिन यहां पावर टू थ्री फोर फाइव ऐसे चलती है हाँ कितनी स्ट्रेंथ की आ रही होंगी बाकी पावर वो इन ए वन ए टू ए थ्री कॉफिशियंट पद जो कोई भी नॉन लीनियर एलिमेंट होता है उसमें आउटपुट इनपुट के बीच में रिलेशनशिप ये होता है ठीक है अब मान लो किसी नॉन लिनियर एलिमेंट फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर क्या होता है पहले समझ लेते हैं फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर क्या होता है ध्यान समझना मैंने नॉन लिनियर एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक बताइए वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझने के लिए फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर क्या होता है एक ऐसा ऐसा डिवाइस जिसमें इनपुट अप्लाई किया मान लो मैंने फाइव इनपुट अप्लाई किया मैंने मान लो फाइव कॉस हंड्रेड पाई टी आउटपुट निकाल दे वो फाइव कॉस टू हंड्रेड पाई टी का मतलब मैं कह सकता हूं इनपुट जो अप्लाई किया उसका ओमेगा है हंड्रेड पाई मतलब हार्ड में फ्रीक्वेंसी बोलूं टू पाई डिवाइड करूं तो फिफ्टी हार्ड्स ये इनपुट फ्रीक्वेंसी है आउटपुट फ्रीक्वेंसी यहीं से हमारी हंड्रेड हर्ड तो क्या इनपुट फ्रीक्वेंसी की डबल कर दी कि नहीं कर दी ये मल्टीप्लाई बाय टू सर्किट हो गया बिल्कुल स्टार्ट करूँगा मैं सुरेंद्र जो पी वाई की वाली बुक है वो आपके पास पहुँच जाए बल्कि उससे पहले ही मैं एक बार स्टार्ट जरूर कर दूँगा सो दैट आपको एक साथ में पैरल सपोर्ट मिलता रहेगा है ना साथ साथ में कंटिन्यूटी बनी रहेगी कि हाँ अब ये कर रहे हैं हम अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सर भी करवाने वाले हैं तो जो भी दिक्कत डाउट हो तो होते चले चल अब यहाँ पर देखना एक बार आ, जरूरी नहीं है यही ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरा सिस्टम होता वो बना देता फाइव कॉस थ्री हंड्रेड पाई टी मतलब आउटपुट की फ्रीक्वेंसी फिर हो जाती है एक सौ पचास मतलब इनपुट की तीन गुनी इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर है। जो फ्रीक्वेंसी का दो गुना तीन गुना चार गुना पांच गुना ऐसे मल्टीप्लीकेशन कर रहा होता है अब नॉन लीनियर डिवाइस में काम में आती है कैसे ध्यान से सुनना एक नॉन लीनियर डिवाइस को फॉलो करते हुए एक फिल्टर लगा दो बैंड पास फिल्टर जानते हैं सब लोग बैंड पास फिल्टर क्या होता है बैंड पास फिल्टर ऐसा फिल्टर होता है जो अरे जानते होंगे तुम लोग तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो अच्छे से भली भांति जानते हो और इलेक्ट्रिक वाले भी जानते ही हैं मेरे को पता है बैंड पास फिल्टर रेजोनेंस सर्किट याद आ रहा है पढ़ते होंगे ना रेजोनेंस वहां से याद आ रहा होगा बाकी रेजोनेंस सर्किट की नहीं कोई और भी बहुत सारे तरीके से बना सकता है बैंड पास फिल्टर वो होता है जो किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल और उसके अगल बगल के थोड़े बैंड के सिग्नल्स को पास करता है बाकी को रोक लेता है स्टॉप कर देता है एक बैंड पास फिल्टर लगा हुआ है अब मैं पूरी प्रोसेस बता रहा हूं यहां पर इनपुट अप्लाई किया मान लो मैंने फाइव कॉस ओमेगा वन टी ठीक है आउटपुट क्या आएगा ए नॉट बताया था भी मैंने प्लस यही फाइव कॉस ओमेगा वन टी प्लस इसी का स्क्वायर मी ट्वेंटी फाइव कॉस स्क्वायर ओमेगा वन टी प्लस इसी का क्यूब मीन एक सौ पच्चीस ओमेगा ओमेगा अभी बोला ना मैंने क्या होता है जो भी इनपुट है वो उसकी एक पावर उसकी दो पावर उसकी तीन पावर ऐसे करके एंड तो उसकी एक पावर दो पावर तीन पावर ऐसे करके अब यहां पर ये जो ये तो है इस दो पावर वाली फ्रीक्वेंसी से एक आइडेंटिटी मुझे याद आई शायद आपको भी याद आ रही हो ये तो मैं बताता हूं क्या ये आइडेंटिटी याद आ रही है आपको कॉस थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉस टू थीटा बाई टू याद आई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो इसी को अगर इस फॉर्म में मैं बोल दूं तो ट्वेंटी फाइव के साथ मल्टीप्लाई मारा वन प्लस कॉस टू थीटा मीन्स टू ओमेगा वन टी बाई टू खत्म बात यहीं पर खत्म अब बाकी सारी कैलकुलेशन के फोकस करना इसके ऊपर कि इसको अगर हम देख रहे हैं तो अंदर की बात यह है कि इसके अंदर ओमेगा वन जो हमने इनपुट की फ्रीक्वेंसी अप्लाई किया है उसकी डबल फ्रीक्वेंसी वाला एक कंपोनेंट नजर आ रहा है ऐसे जब आप कॉस क्यूब को ओपन करोगे तो उसमें ट्रिपल वाला कंपोनेंट भी नजर आ जाएगा डबल वाला भी आएगा ट्रिपल वाला भी आएगा अब हमारे हाथ में है फिल्टर हमें डबल वाला टू एफ टू ओमेगा वन वाला निकालना है बाकी सबको रोकना है तो फिल्टर लगा होगा ऐसा जिसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी टू एफ वन होगी हमें ट्रिपल वाला चाहिए वाला चाहिए तो फिल्टर जो यहाँ पे बैंड पास फिल्टर है अप्रोप्रिएट ऐसा फिल्टर लगा होगा जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थ्री एफ वन वाली हो जाएगी मिल जाएगा मतलब पूरा सार ये था कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करने के लिए एक नॉन लीनियर डिवाइस की जरूरत है और नॉन लीनियर रजिस्टेंस वायर बाउंड वाला नहीं कार्बन वाला नहीं नाइक्रोम वाला नहीं डायोड होता है वो नॉन लीनियर रजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है सो हमें कौन से रजिस्टर की जरूरत है डायोड की जरूरत है समझ में आ रही है बात है? आप कहीं पे जाके सर्च कर लेना कोई इस क्वेश्चन को इस तरह से समझा दे तो कहीं पे भी सर्च कर लेना ऑफलाइन ऑनलाइन इसके पीछे की रीजन बता दे फ्रीक्वेंसी क्या होती है फ्रीक्वेंसी भी बता देते हैं फ्रीक्वेंसी ये होती है जब हमारा कोई साइनोसोडल सिग्नल है हमारा कोई साइनोसोडल सिग्नल है जैसे फाइव कॉस ट्वेंटी टी है ना ट्वेंटी ऐसा तो अगर इसको मैं प्लॉट करने लगूंगा तो जैसे जैसे ये चीज ये हम बोलेंगे ओमेगा टी टाइम बढ़ने के साथ टाइम पुट करते चलेंगे वैल्यू बढ़ती चलेगी ये बढ़ रहा होगा तो मैं बोल सकता हूं कॉस का एंगल बढ़ता चल रहा होगा तो यहां पे मैं कॉस का एंगल ओमेगा टी बोल रहा हूं और जब टी जीरो हो होगा तो कॉस जीरो हो होगा और फिर उसके बाद टी बढ़ाते बढ़ाते नाइन आगे कॉस नाइनटी जीरो, तो ये जीरो फिर cycle, cycle ऐसे ना, तो प्लॉट ऐस ये, तो ये होता है इसको अगर आप ध्यान से देखोगे कॉस को या साइन को तो हमेशा जो भी शेप है वो बार बार रिपीट होती है जितने टाइम के बाद बार बार रिपीट हो रही है वो है टाइम पीरियड वो है टाइम पीरियड अब मान लो ये टाइम पीरियड है एक सेकंड में ऐसी कितनी साइकिल आ जाएंगी जनाब अगर टाइम पीरियड में बोल रहा हूं कि आधा है है तो फिर ऐसे तो ये चल रही होंगे तो एक सेकेंड में कितनी साइकिल आ जाएंगी एक सेकेंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हो जाएंगी आप बोलेंगे आधा सेकंड में एक और अगले हाफ सेकंड में एक और जाएगी तो सर एक सेकंड में टोटल मिला के दो हो जाएंगी अगर मैं बोल दू नहीं ये टाइम पीरियड तो इसमें बोल देता हूं इसमें कम नजर आ रहा है ना ये देखो ऐसे करके रिपीट हो रहा है पूरा वापस से तो ये टाइम पीरियड अगर नहीं पॉइंट वन सेकेंड है तो फिर एक सेकंड में कितनी रिपीट होंगी क्या अभी भी दो रिपीट हो रही होंगी क्या पचास कहां से बोल रहे है पॉइंट फाइव सेकेंड में आधा सेकंड में एक रिपीट हो रही है तो एक सेकंड में कितनी रिपीट हो रही होंगी पचास कैसे हो गए आप आधा दिन के अंदर कुछ काम कर रहे हो तो पूरे एक दिन में उसके डबल ही तो करोगे पचास दो होगा ना इसमें एक सेकंड में कितनी साइकिल आ जाएंगी दो और मैं बोलूं कि नहीं टाइम पीरियड कम है मान लो पॉइंट वन सेकेंड है अब बताओ एक सेकंड में कितने रिपीट हो जाएंगी ये साइकिल एक सेकंड वन सेकंड में कंप्लीट एक तो पॉइंट वन में हो जाए वन सेकंड में कितनी आ जाएंगे एक पॉइंट वन सेकंड में अगले पॉइंट वन सेकंड में एक अगले पॉइंट वन सेकंड में ऐसे ऐसे पॉइंट वन का दस ऊना करेंगे तो दस बार पॉइंट वन पॉइंट वन पॉइंट वन एड करेंगे टोटल तो तो एक सेकंड बन गया दस रिपीट हो रही होंगी ना एक सेकंड में है ना तो एक सेकंड में इसमें कितनी साइकिल रिपीट हो रही होंगी दस रिपीट हो रही होंगी तो हमारा जो टाइम पीरियड होता है उसका रेसिप्रोकल कर लो यार इतनी मेहनत करने के बजाय दस आ गया रेसिप्रोकल कर लो दो आ गया मीन्स टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर लो तो आती है फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी हमें बताती है कोई भी पीरियडिक ने कोई भी पीरियडिक सिग्नल जो बार बार रिपीट हो रहा हो वो एक सेकंड में कितनी बार रिपीट हो जाएगा हाउ मेनी टाइम्स ए पीरियडिक सिग्नल विल बी रिपीटेड इन यूनिट ड्यूरेशन यूनिट ड्यूरेशन मीन्स वन सेकेंड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा नंबर ऑफ तो अभी डिस्कस किया था हमने नंबर ऑफ डायोड्स रिक्वायर्ड इन ए ब्रिज रेक्टिफायर ब्रिज रेक्टिफायर में तो चार होते हैं ये बात की थी ना हमने अगर पचास हट जाए तो एक सेकंड में पचा, पचास पचास टाइम होगा नहीं एक सेकंड में पचास बार साइकिल कंप्लीट हो चुकी होगी जैसे हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी फ्रीक्वेंसी फिफ्टी हर्ज होती है ना वो ए होती है ना तो वो फिफ्टी हर्ज का मतलब होता है एक सेकेंड के टाइम के अंदर उसकी पचास साइकिल हो चुकी होती है कंप्लीट एक सेकंड के अंदर पचास साइकिल पूरी कंप्लीट हो, हो चुकी होती है पचास साइकिल कंप्लीट हो चुकी होती है मतलब पचास तो पॉजिटिव और पचास बार वो नेगेटिव वैल्यू अटेन कर चुका होता है ओनली वन सेकेंड के अंदर एक सेकेंड इतना कम ड्यूरेशन और उसमें इतनी बार उ, प्लस माइनस हो गया इसीलिए हमें फील ही नहीं हो पाता कि उसमें अप डाउन हो के कभी वो जीरो भी हो रहा है हमने मान लो ये लाइट ऑन की हुई है पता ही नहीं चल पाएगा कि ये जीरो भी हुआ है इतनी जल्दी फ्लक्चुएशंस हो रही है हाँ पचास टाइम वो हो चुका होता है बल्कि पचास टाइम नहीं एक साइकिल में अगर ऑफ की बात करें तो एक कंप्लीट साइकिल में दो हो चुका है ये तो अगली साइकिल कैसा लेंगे दो दो बार ऑफ हो चुका होता है एक कंप्लीट साइकिल में तो एक सेकंड में सौ बार ऑफ हो चुका होता है पचास भी नहीं सौ बार चलो ये तो चार होगा ना चलो नेक्स्ट ये तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा भी था आप लोगों में से कुछ ने रिप्लाई भी किया था जो लोग पिछली बार रिप्लाई नहीं कर पाए थे उन्होंने सुना होगा मेरी बातों को तो इस बार तो बता दो जीना डायोड इज यूज किसमें भाई फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस आयदर फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस जीरो बायस क्या बोलेंगे रिवर्स बायस में जीना डायोड यूज में आता है और रिवर्स बायस में जब वोल्टेज बढ़ के जो उसका जीना ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है उससे ज्यादा हो जाता है तो वो जीना ब्रेकडाउन रीजन में पहुंच जाता है उसके अक्रॉस वोल्टेज उतना ही फिक्स हो जाता है करंट बढ़ सकती है अप्लाइड वोल्टेज बढ़ता जाए तो लेकिन वोल्टेज नहीं बढ़ने देता है वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में रिवर्स बायस में होता है क्लियर सब लोग को सो टूडे वॉज ए गुड डे विद यू ऑल एक तो आप लोग सेशन में लास्ट तक बने रहे वो भी और अब तो बिल्कुल फूंक चुके हो सब लोग है ना तो उसी में ये आज का सेशन आप लोगों ने देखा होगा नहीं देखा हो तो जाके देख सकते हो बाकी मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ एस एस सी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या आगे के अदर एग्जामेशन के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एस एस सी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक लॉन्च हो गई है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पर बुक ई बुक नहीं है हार्ड कॉपी है आपके घर पे डिस्पैच होगी है ना और इसमें ट्वेंटी एट शिफ्ट के पुराने प्रीवियस जो लेटेस्ट ट्रेंड वाले जो ट्वेंटी थ्री तक टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तक के सी बी टी वन तो है ही और पिछली बार जो सी बी टी टू हुआ था उसका पेपर भी जो है वो आपको इसमें मिल जाएगा है ना तो ये बुक आप स्टोर से जाके बाय कर सकते हैं वाई सिक्स फाइव सेवन जो अपना कोड होता है उसके साथ एस और लगाना है बुक के लिए वाई सिक्स फाइव सेवन एस इस कोड के साथ ही आपको थ्री एट्टी नाइन रुपीज में आज मिल रही है आज ही बुक लॉन्च हुआ है आज आपको लेस प्राइसेस में ये मिल रही है इसको ऑर्डर कर देंगे उसके बाद पांच से सात दिन के बाद ये घर पे आपके डिस्पैच होगी है ना तो जितना जल्दी ऑर्डर कर देंगे लेस प्राइसिस में तो मिली जाएगी साथ साथ में जल्दी से जल्दी आपके हाथों में भी होगी तो आप इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी कर पाएंगे है ना तो अब समय आ गया है टेस्ट अटेम्प्ट करने के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना है अपने टॉपिक्स जो हैं पढ़ चुके हो अपने चैप्टर्स अपने सब्जेक्ट जो पढ़ चुके हो उनको तो उसके लिए बेस्ट टाइम है आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो ठीक है तो स्टोर पर आपको मिल जाएगा ऐप पर जाकर के देखोगे तो थ्री एट्टी नाइन में मिलेगा वेबसाइट पर जाकर देखोगे तो थ्री नाइन्टी नाइन में मिलेगा बेस्ट है कि आप ऐप के थ्रू ले लें ठीक है ऐप पे तो और भी बहुत सारे फीचर्स हैं ये सारे फीचर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं इसके लिए तो थ्री नाइन्टी नाइन थ्री थ्री रुपीज भी पे करने की जरूरत तो नहीं है तो ऐप नहीं अगर आपके पास तो ऐप जल्दी से डाउनलोड कर लो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और लाइव में देख रहे हो तो पिंड मैसेज में आपको लिंक मिल जाएगा वहां से जाके आपको आप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद अब कल से दिस वॉज द थर्ड पार्ट ऑफ थर्ड टोटल थ्री का थ्री पार्ट था मतलब तो खत्म आज के बाद कल नहीं मिलेंगे क्या बिल्कुल मिलेंगे कल भी मिलेंगे हम सेम टाइम पर अब कल से इलेक्ट्रिकल बेसिक इलेक्ट्रिकल मीन्स नेटवर्क थ्योरी की बातें करना स्टार्ट करते हैं थोड़े दिन हो गए छोड़े हुए और अच्छा लगता है जब चीज़ों को छोड़ चुके होते हैं भूल चुके होते हैं और फिर वापस से रिमाइंड करने का मौका मिल जाता है है ना तो कई दिन हो गए यार नेटवर्क थ्योरी के वो नोडल वो इक्वेशंस लिखे हुए है ना वो रजिस्टर में ओम स्लो लगाए हुए वो ट्रांजिएंट टाइम कांस्टेंट्स फाइंड किए हुए वो bandwidth, bandwidth वो वो रेजोनेंस की बैंडविड्थ बैंडविड्थ वाले थ्योरम्स अप्लाई किए हुए तो कल से एक बार वापस से आते हैं उन्हीं डिस्कशंस पे है ना तो कल से बेसिक इलेक्ट्रिकल के कुछ सेशन स्टार्ट होंगे सेम टाइम पर मिलेंगे हम लोग चलो तो आज का सेशन एंड अप करते हैं मिलते हैं कल तब तक के लिए गुड बाय गुड नाइट टेक केयर बाय बाय ऑल द बेस्ट